जिस दिन पेरिस ओलंपिक में भारत को गोल्ड मेडल की उम्मीद थी, भारत की बेटी ओलंपिक में गोल्ड इतिहास रचने वाली थी। देशवासी आशा भरी किरणों से फाइनल मैच में निगाह गड़ाए बैठे थे। ठीक उसी दिन पेरिस से भारत के लिए बहुत बुरी खबर आई। भारतीय पहलवान विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक से बाहर कर दिया गया। महिला कुश्ती 50 किलोग्राम के फाइनल में दमखम दिखाने से पहले ही विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित कर दिया गया। इसके पीछे वजह बताई गई वजन का बढ़ना। भारतीय ओलंपिक संघ ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि हमारी रात भर की कोशिश के बावजूद उन्हें डिस्क्वालीफाई करना पड़ा, क्योंकि बुधवार सुबह उनका वजन 50 किलोग्राम से 100 ग्राम ज्यादा निकला। अयोग्य घोषित करने के साथ ही विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक से बाहर हो गई हैं। अब वो महिला कुश्ती का फाइनल मुकाबले में भारत का प्रतिनिधित्व नहीं कर पाएंगी। हैरत की बात है कि कामयाबी के इतने करीब पहुँच कर भी विनेश फोगाट का गोल्ड मेडल जीतने का सपना अधूरा रह गया। वहीं इस फैसले का भारत ने कड़ा विरोध जताया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय दल ने विनेश को अयोग्य करार दिए जाने के फैसले के खिलाफ अपील की है कि विनेश को फाइनल तक अपना वजन कम करने के लिए एक्सटेंशन दिया जाए। बता दें कि विनेश ने 50 किलोग्राम भार वर्ग के सेमीफाइनल में क्यूबा की पहलवान गुजमान लोपेजी को 5-0 से मात दी थी। इसी जीत के साथ न सिर्फ उन्होंने अपना मेडल पक्का किया था, बल्कि ओलंपिक के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर बन गई थी। और आज रात फाइनल में विनेश की टक्कर यूएसए की सारा हिल्डब्रांड से होने वाली थी, लेकिन फाइनल मैच से पहले ही भारत को तगड़ा झटका लग गया और इस झटके से विनेश और उनके करोड़ों भारतीय फैन के चेहरे पर मायूसी छा गई। जीत के शिखर से गिरना वाकई किसी सदमे से कम नहीं है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।